W2TC के फाइनल से बाहर होने का लगा रखी थी, तब तक लग रहा था सब कुछ वाह जी वाह, मुश्किल था, इस वाले ठेका लिया हुआ है, 260 रह गए, क्या हुआ उसके बाद? ये होना था, एसेंस है, कोई कौन फलाना है, हल्की टीम के प्लेयर लग रहे हो, खेला है नींद में, आएंगे और जीत जाएंगे, अगर ऐसे है ये ने आपको यहां पे कर दी, न्यूजीलैंड ले लिया था उन्होंने, तो बड़े मुश्किल थे बढ़ाओ ना, एंड जो है उसके साथ धोखा हुआ है, प्लीज आ जाओ, नया कोच आया यार, क्या करोगे, तो आपने फिर प्लान क्या किया, तू भर पानी में डूब मरो, कुछ तो शर्म करो, खत्म होगी ये, इंग्लैंड की फ्लाइट ले लेते हैं, कहां जा रही है बैट, कहां जा रहा है इंडिया, रोहितियंस का जो आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करेगा, क्या करें इनका, लेकिन ये कप्तान है, उन पर आउट हो गए, समझ आ गए न्यूजीलैंड वाले को, बेवकूफ नहीं, वो बांग्लादेश नहीं है, वो चिरकु, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर के अंदर जिल्लत अमेज किस से जो है वो 2-4 कर दिए हैं, और इस पे देखे कि विक्रांत गुप्ता और इंडिया का मीडिया जो है वो किस तरह अपनी टीम के जो है वो पीछे पड़ गया और किस किन नकाबात से इनको नवाज रहा है, तो देखिए इस वीडियो में, तो वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, तो देखिए वीडियो, टीसी के फाइनल से बाहर होने का खतरा, यशस्वी ने कुटाई लगा रखी थी, तब तक लग रहा था सब कुछ वाह जी वाह, ये तो एकदम चेन्नई, कोई वीरेंद्र सहवाग बनेगा, कोई सचिन तेंदुलकर, कोई युवराज सिंह रिपीट, आज उसके अलावा आप कहानी सामने, मैं फेर दिया, पानी फेर दिया आपने, मुश्किल था, तो जायसवाल ने रन बनाए, एक जायसवाल ने बनाया, जायसवाल ने ठेका लिया हुआ, आईपीएल टेंशन का क्या, जायसवाल ने ठेका लिया हुआ, बस एक जायसवाल ने ठेका लिया, आप 6 पर 1 आउट हो, आप एक अलग अंदाज से बैटिंग करने आए हो, सामने वाला नीचे लगा हुआ है, आप काउंट डाउन कर रहे हो, आप तो 260 रह गए, क्या हुआ उसके बाद, क्यों ये नहीं है, मतलब ये सीजन की बात कर रहा हूं, हकीकत ये है, ये होना था, ऐसा नहीं है कि किसी टीम के साथ नहीं होता, कौन किंग है, कौन प्रिंस है, कोई कौन फलाना है, आपकी ये बैटिंग जो दिख रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, ये तो आप किसी हल्की टीम के प्लेयर लग रहे हो, ये 2 टेस्ट मैच इंडिया नींद में खेला है, नींद में हम मैदान में उतरेंगे और हम जीत जाएंगे, हम बस आएंगे और जीत जाएंगे, ये आप इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक सही रिफ्लेक्शन हुई है कल जो इमर्जिंग टीम्स एशिया का जो मैच हुआ है, जहां इंडिया अफगानिस्तान से हारा है, बड़े बड़े उसमें भी आपने उस लेवल के स्टार भेजे, कॉलर ऐसे हैं, ये आप कल अफगानिस्तान से पिल के आ गए हो, वही चीज न्यूजीलैंड ने आपको यहां पर कर दी, न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज बीन अ गुड टीम, मिचेल सैंटनर का मतलब ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर वो रहे, और मैं हैरान हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी 5 विकेट ऑल नहीं लिया था उन्होंने, तो टेस्ट क्रिकेट में उनको रेगुलरली एजाज अहमद को प्रेफरेंस मिलती है, राहुल जी टेस्ट मैच में उनकी कितनी हो गई है, 12 विकेट किनकी, मिचेल साहब क्या 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 आउट कर रहे हैं, क्या क्या के एक आप यशस्वी जायसवाल का वो निकाल दो, यशस्वी जायसवाल अब मतलब क्या इंडियन क्रिकेट टीम में इस वक्त यशस्वी जायसवाल आपका सबसे बड़ा बंबू है जिसमें तंबू टिकेगा, ठीक है 360 रन बड़े मुश्किल थे बढ़ाओ ना सर, वही बात ही है, कहां से बना दो, इंडिया का क्रिकेट फैन जो है उसके साथ धोखा हुआ है, इंडियन क्रिकेट फैन के साथ धोखा हुआ है, आपने एक हाई देखा, आपने वर्ल्ड कप T20 जीतते देखा, उसके बाद आप माने ना माने इंडिया का ना फुट ऑफ द पेडल रहा है, हम आराम से ले रहे हैं क्रिकेट को, होगा यार श्रीलंका जाएंगे एवरीवेयर, श्रीलंका ने आपको दिखा दिया ना ऑडियंस में, इवन जिम्बाब्वे में भी नहीं लगते, अरे नहीं जाना यार नहीं जाना, प्लीज आ जाओ, नया कोच आया यार, क्या है यार मैं छुट्टी पे हूं, और छुट्टियां अब देखो, अब यू इनएविटेबल ना, यू कैन आप इनएविटेबल जो होता है ना, जो होना ही होना है, उसको थोड़ा सा डिनाई, थोड़ा सा डिले कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते, आंख बंद कर लो, अपनी पट्टी बांध लो, तो आपको लगेगा कि भाई ना कोई मुझे देख रहा है ना मैं किसी को देख रहा हूं, वो चेंज आ गया है, आज इंडिया ऑफिशियली ट्रांजिशन के दौर में पहुंच गया नहीं, है नहीं, आप पहले पहुंच चुके थे, आपके 4 बड़े सुपरस्टार्स हैं, ट्रांजिशन उस 4 है, लोगों को बुरा लगेगा, रोहित विराट अश्विन जडेजा, ट्रांजिशन का दौर जो आज शुरू हो गया, ट्रांजिशन का मतलब नहीं है कि कल आप बदल दोगे, ट्रांजिशन का मतलब है कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद, कोई 18 महीने बाद, आपको ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, आग लगी थी आपने कल रात को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम का ऐलान कर दिया, आप वैसे तो परसों मैच होता है आज टीम का ऐलान करते हो, कर दो इस टेस्ट मैच का वेट तो कर लो, इस टेस्ट मैच का इंतजार तो कर लो, भले यही टीम आपने देनी हो, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या लेके जा रहे हैं हम, एक ऑस्ट्रेलिया आप ये बैटिंग ऑर्डर तो लेके जा रहे हो, ठीक है बॉलिंग क्या लेके जा रहे हो, पैदा थोड़ा ना करेंगे, पैदा नहीं करोगे तो आपने फिर प्लान क्या किया, यश दयाल को पहले क्यों नहीं आता टेस्ट टीम में, इंडिया की टेस्ट टीम उस टाइम पर जब आपने पुजारा और रहाणे को रगड़ा, उनको रगड़ा, रोहित शर्मा के रन, रोहित के रन आ रहे थे, रोहित के रनों से इंडिया ने मैच भी जीते, भले घर पे जीते हैं, उन्होंने इंग्लैंड में भी रन बनाए थे, रोहित शर्मा ने इंडिया में भी टर्निंग ट्रैकों पे 100 बनाए हैं और इंडिया मैच जीता है, बाकियों के मुझे वो रन बताओ ना
वो रन बताओ जहां पे मैच जीते हैं। आपको वो पारियां याद करने के लिए आपको याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, उसका कोई मतलब नहीं होता ना। आप मुझे एवरेजेस दिखा रहे हैं, कल भी कोई फैंस थे, रात को हम शो कर रहे थे, तुम सालों ये बोलते हो फलाने के इतने टेस्ट में, यार ठीक है भाई, गलती हमारे से हो गई, भुगतो भुगतो। प्लेयर ये बेस्ट है, प्लेयरों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच की है। और आप अभी क्या कर रहे हैं गौतम, अब क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। गौतम गंभीर की वो बाइक उठाएंगे लोग, हम तो दो दिन बैटिंग कर सकते हैं और दो घंटे में बैटिंग। आपके यहां पर भी मैं सुबह चैट सुनी रहा था, आपके स्पोर्ट्स तक पे भी चल रही थी ना वही बातें, गौतम गंभीर गौतम गंभीर। क्या गौतम गंभीर का कसूर है? गौतम गंभीर के पास आज इतना इख्तियार है कि वो किसी प्लेयर को ये कह दे कि प्लीज आप अगले टेस्ट मैच में मत खेलिए, जाकर राजीव ट्रॉफी खेलिए। छोड़ दे कौन आज तक किसने छोड़ा? अगर आप आज तक किसने छोड़ा है जो वो छोड़ दे, क्यों छोड़ दे वो? एंड जब गगरान गुप्ता, ये राहुल रावत, ये मनोज डिमरी, जय जयसवाल, मैं भारत, उनको भी गुस्सा चढ़ रहा होगा। बट क्या इस वक्त उनको ऑप्शन दी जाए कि घड़ी की सुई को दो महीने पीछे ले जाए? वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचते हैं कि यार कच्चे, पता क्या होता है, आप चले जाते, आप एक कदम पीछे चल रहे हो रेस में। सर एक बात बताऊं, व्हेन यू हैव यंग लेग्स, आप ना यंग लेग्स में एक कदम की लीड, दो कदम की लीड, तीन कदम की लीड पूरी कर देते हो, आप पांच कदम से जीत जाते हो। व्हेन योर लेग्स आर नॉट दैट यंग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अबे पांच गुनेगारो, कुछ तो शर्म करो। अगले हफ्ते पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले इन पांच निकम्मों ने टीम इंडिया का दिवाला निकाल दिया। ये पांच निकम्मे मैदान पर आए और इंडिया की है जाने वाले विराट कोहली का, इंग्लैंड जाते रहते हैं, जैसी सीरीज खत्म होगी ये इंग्लैंड की फ्लाइट ले लेते हैं, सीरीज शुरू होने से दो दिन पहले इंग्लैंड से वापस आ जाते हैं। भाई फुलटॉस बॉल पे भाई बोल्ड हो गया है, फुलटॉस बॉल जिसपे कहा जाता है कि क्रिकेट में अगर कोई सबसे बड़ा तोहफा गेंदबाज बल्लेबाज को देता है तोहफा, तो फुलटॉस गेंद होती है। ये भाई साहब को वो फुलटॉस गेंद मिल गई थी, ये समझ ही नहीं आई भाई, बॉल कहां जा रही है, बैट कहां जा रहा है, इंडिया गेट बन रहा है पैर के और बैट के बीच में कि आदमी निकल जाए उसमें से। और ये महान बल्लेबाज है विराट कोहली, एक रन पर आउट हो गया, आउट होने के बाद ऐसे देख रहे हैं क्या हो गया? अबे भाई कुछ नहीं हो गया, ये जो बार बार इंग्लैंड जाते रहते हो, क्रिकेट से दूरी बना ले रहते हो ना, अपने टर्म्स पे क्रिकेट खेलते हो, ऐसे ही होता है। कभी पांच टेस्ट मैच छोड़ देंगे, आईपीएल नहीं छोड़ेंगे, आईपीएल का एक मैच नहीं छोड़ेंगे, नोट कर लो। क्या कभी कोई फैमिली रीजन की वजह से इन्होंने आईपीएल छोड़ा है? नहीं छोड़ा, पांच टेस्ट मैच छोड़ देते हैं, आज हाल देख लो, लगे पड़े हैं, पता है आप सबको क्या लगे पड़े हैं। तो ये सबसे बड़े गुनहगार पहले विराट कोहली, खत्म हो चुका भाई, बोझ हैं अब ये लोग इंडियन टीम पे। दूसरे रोहित शर्मा, अब मैं जैसे लगातार बोलता हूं कि हिंदुस्तान में रोहित शर्मा की बुराई ना पाप है, अपशगुन माना जाता है, एक पूरा झुंड आता है रोहितियंस का जो आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल करेगा, यूट्यूब पर ट्रोल करेगा, निकम्मो ये रन देख लो, तुम जो आते हो ना झुंड में, चेहरा तो तुम्हारा कुछ होता नहीं है, ये देख लो तुम्हारे भगवान के रन जिसको तुम बनाकर बैठे हो, जीरो पर बोल्ड हो गए, आखिरी बार रन कब बनाए थे टेस्ट में याद है तुम्हें? बस सोशल मीडिया पे आना है, कुछ भी बकवास लिखनी है, खुद कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो नहीं होश, घर कैसे चलेगा। लेकिन रोहित भाई, रोहित भाई ये ले लो, रोहित भाई जीरो रन पर रोहित भाई ने नाक कटाई है, खत्म, एकदम खत्म, ये तो कल ही खत्म हो गए थे, बोल्ड हो गए थे, चलो बाकी सारे स्पिन पर गए तो तेज गेंदबाजी भी नहीं खेल पाए, क्या करें इनका। लेकिन ये कप्तान है, ये धरोहर है, ये कोहिनूर का हीरा है जिसको इंग्लैंड लेके जाना चाहता है, ये दूसरे बड़े गुनहगार हैं। ये तीसरे सरफराज खान, 11 रन, समझ आ गया न्यूजीलैंड वालों को कि इसके खिलाफ कैसे बॉलिंग करनी है, इनके जीवन का पूरा टारगेट वो स्वीप 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 मारना रहता है, और न्यूजीलैंड कुछ नहीं किया, गेंद को थोड़ा सा स्लो कर दिया, इनको फ्लैटेड डिलीवरी दी, कहा बेटा मार के दिखाओ, वजन तो ठीक ठाक ही है, बड़े आउट हो गए, मिड ऑफ पर गया ना कैच, उसको पार नहीं करवा पाए, पिछली पारी में 150 रन आए थे, इस बार 11 रन पर आउट हो गए। समझ आ गए न्यूजीलैंड वाले को, बेवकूफ नहीं, वो बांग्लादेश नहीं है, वो चिरकुट टीम नहीं है, उनको पता है कि आप जैसे बल्लेबाज के साथ क्या करना है। और उन्होंने जिस तरह वीडियो में देखा है कि विक्रांत गुप्ता जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है टीम की हार के ऊपर, हार नहीं शर्मनाक हार के ऊपर, कि 12 साल के बाद जो है वो टीम इंडिया घर में जो है वो कोई टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो हार चुकी है, और अभी एक टेस्ट जो है वो होना बाकी है, और WTC फाइनल से भी इंडिया के जो हैं वो बाहर होने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो बन गए हैं। तो देखें कि इंडियन मीडिया कैसे चिल्ला रहा है कि ये प्लेयर जो है वो मैच प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी वजह से इनका ये हाल हुआ है, क्योंकि इससे स्पिन जो है वो खेली नहीं जाती है। आपने देखा है कि विराट कोहली जो है वो बुरी तरह निकाम हुए हैं इस सीरीज़ के अंदर, और अभी जो है वो कोई
छब्बीस इनिंग्स में जो है वो विराट कोहली के कोई सेंचुरी रन नहीं आए हैं, तो बाबर आजम की तरह जो है विराट कोहली को भी जो है वो टीम से बाहर करना चाहिए। और रोहित शर्मा जो है टी ट्वेंटी और वर्ल्ड वनडे में तो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट में मसलसल निकाम होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों इनिंग्स में हमने देखा है कि वो बोल्ड हो गए हैं और बुरी तरह नाकाम हो गए हैं सीरीज़ के अंदर। और विराट कोहली भी जो है वो इतने महान प्लेयर होने के बावजूद जो है वो उनसे स्पिन बॉलिंग जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं वो। और इस इनिंग में बस जायसवाल ने जो है वो 77 रन किए, और जडेजा ने थोड़ा नीचे से आकर जो है 42 रन किए, और अकेला बॉलर वन मैन आर्मी सेंटर ने जो है वो इंडियन टीम के जो है वो परखे उड़ा के रख दिए, किसी को उनकी बॉल जो है स्पिन होती नज़र नहीं आ रही थी। दोनों इनिंग्स में उन्होंने 6-6 खिलाड़ियों को आउट किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि टेस्ट मैच के अंदर जो है वो सेंटर ने पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ जो है 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, और दूसरी इनिंग में भी उसने जो है वो 5 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। तो अब इंडिया में जो है वो मातम बिछ गया है कि ये प्लेयर प्रैक्टिस नहीं करते, और बीजीटी के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है, उनके पास बॉलिंग है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी इंडिया के यही हाल होने वाला है, और उनको ऑस्ट्रेलिया में भी मार पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, अल्लाह हाफिज़।